नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका। आप देख रहे हैं न्यूज 21। रुक करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का। खबर राजगढ़ से सामने आ रही है, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजना गुप्ता ने बताया कि इस दौरान विद्यालय के स्टाफ व बच्चों के द्वारा फलदार व छायादार वृक्ष लगाए गए। इस दौरान स्कूल की बालिकाओं व स्टाफ ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर प्रधानाचार्य अंजना गुप्ता, सपना, नीरज यादव, ममता वीणा, नेहा वर्मा, कुलदीप शर्मा, दीपक जैन सहित स्टाफ व बालिकाएं उपस्थित रही। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पिंक सिटी जयपुर से है, जहां जेडीए का बुलडोजर फिर से अवैध कब्जे हटा रहा है। 30 जुलाई तक 11 प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। छठवें दिन 22 जुलाई को गवर्नमेंट चौराहे से 200 फीट तक अवैध कब्जे हटाए गए। वहीं आज 23 जुलाई को रामनिवास बाग से घाट गेट, आगरा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, पुलिया के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वर्तमान शाखा के मुख्य नियंत्रक महेंद्र शर्मा ने बताया कि बीते दिनों बैठक में नगरीय विकास मंत्री जावर सिंह खर्रा ने सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। 30 जुलाई के बाद दूसरे चरण का अभियान शुरू होगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर अलवर जिले के रेणी उपखंड से है, जहां पाली गांव के बैरवा मोहल्ले के निवासियों ने टहड़ा पंचायत मुख्यालय पर सड़क निर्माण कार्य नहीं कराने को लेकर सरपंच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सरपंच मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 4 से 5 साल से लगातार पक्का रास्ता बनवाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरपंच के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। प्रदर्शन के बाद गांव के सभी महिला पुरुष रेणी उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी को पक्का रास्ता बनवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। रेणी से ही राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की लोक लुभावना योजनाओं को समेटना शुरू कर दिया है। गहलोत राज में शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन योजना फिलहाल स्थगित की गई है। वहीं 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम से अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। दोनों योजनाओं को लेकर पूछे गए अलग अलग सवालों के जवाब में सरकार ने विधानसभा में लिखित जवाब देकर रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने जनवरी 2024 तक कितने फ्री स्मार्टफोन बांटने के सवाल के जवाब में सरकार ने साफ किया है कि फ्री स्मार्टफोन स्कीम विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के समय से स्थगित है। आगे इस पर फाइनल फैसला होगा। इसे स्कीम को बंद करने से जोड़कर देखा जा रहा है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर पिंक सिटी जयपुर से है, जहां डिस्कॉम प्रशासन के कॉल सेंटर की वर्किंग राम भरोसे नजर आ रही है। बिजली उपभोक्ता के लिए जयपुर डिस्कॉम ने टोल फ्री नंबर 1800180650607, टेलीफोन नंबर 0141220300 पर शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था कर रखी है। शिकायत सुनने और फॉल्ट सुधारने के डिस्कॉम सेवा प्रदाता कंपनी को करीब 250 करोड़ दे रहा है। बावजूद इसके अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए बिजली उपभोक्ता कतार में लग रहे हैं। रात के वक्त तो कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज करना ही बेहद मुश्किल हो रहा है। हालात ये कि उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करवाने के लिए आधे आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद इसके शिकायत दर्ज होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 21। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।